तो हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर यी सेट प्रिपरेशन एंड योर यूपीएससी प्रिपरेशन तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं रेशम प्रमोशन देखो हमने पिछले जो सेशन में किया ना उसमें हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस किए जो हमने हमारे सेशन में किए थे कहने का मतलब क्या है जो पहले चार मैंने आपके लेक्चर्स किए रेशम प्रमोशन के छवा लेक्चर है और फिफ्थ लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने स्टार्ट किए टू ऑनवर्ड्स तो हमारे पास हु ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे हमने पहले चार लेक्चर्स में किए क्लियर और आज हम 2018 से लेके आगे तक जितने भी क्वेश्चन आए ट्राई करते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे आज तो टॉप सेवन सीरीज पार्ट सिक्स और पार्ट आपका टू क्लियर तो स्टूडेंट प्लीज 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 ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज जल्दी हमारा यूपीएससी यूपीएससीट टारगेट दो बैच शुरू हो रहा है जिसके अंदर एप्टीट्यूड जिकल रीजन इंग्लिश कॉम्पिटिशन कंप्लीटली करवाया जाएगा कंप्लीटली करवाया जाएगा फॉर मोर इन यू कैन कॉल अस एट नाइन फाइव फाइव पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लियर तो फ्रेश बैच कमिंग सून जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे और एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स के थ्रू हम इसको करने वाले कंप्लीट जैसे मैं आप जैसे अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट्स देखेंगे तो मैंने आपको दिखाए भी हैं कि किस तरीके किस लेवल का हमने पढ़ाया था और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आए हैं क्लियर तो चंडीगढ़ सेंटर का है हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर सेवन ग्राउंड फ्लोर पंजाब के श्री बिल्डिंग सेक्टर ट्वेंटी फाइव चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर का एड्रेस है प्लॉट नंबर सी वन ट्वेंटी सिक्स बिल्डिंग नंबर टू फोर्थ फ्लोर फेस एट इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली ठीक है ये पड़ता है पंजाब में आपके पास तो चलिए चलते हैं और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारे के सारे बैच के नए बैच की जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी ठीक है चलिए <coughs> चलिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आज की क्लास का और ये है सीसे दो का <coughs> देखने से आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लग रहा है बट है एक्चुअली नंबर सिस्टम का बट कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ इसमें एंड प्रपोशन तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रेशो एंड रेश्शन एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक चैप्टर क्योंकि चैप्टर वो होगा जिसमें पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे बट कॉन्सेप्ट वो होगा

क्या मेरे पास टेन वाई प्लस ऑफ एक्स आएगा यस बिल्कुल जो तो टेन एक्स प्लस वाई था वो मेरे पास क्या हो गया टेन वाई प्लस एक्स हो गया अब ध्यान से सुनो वो कै एक्स वाई अपॉन वाई एक्स ये कितना है मेरे पास फोर अपॉन सेवन फोर अपॉइन सेवन तो मतलब टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टेन वाई प्लस एक्स इजिकल टू फोर बाई सेवन प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई बाय देम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया सेवनटी एक्स प्लस सेवन वाई टू फोर्टी वाई प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे एक्स और वाई का एक पर्टिकुलरली रेशियो फाइंड आउट करना उसके बाद में कुछ कर पाऊंगा तो सेवनटी एक्स माइनस ऑफ

होगा स्टूडेंट मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर वन से लेकर नाइन तक जीरो भी हो सकता है बट अगर जीरो होगा तो फिर रिवर्स करोगे तो मतलब तीन से मल्टीप्लाई करो थ्री बाय सिक्स बाईट जब आप एक्स को और वाई को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइव बाई टें तो क्या है? वाई मेरे पास एक दो का नंबर हो सकता है नहीं हो सकता तो कितने दो तो हजार तो 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 करना मत भूलिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल एस और मैसेज व्हाट्सएप एट नाइन फाइव आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लियर चलिए

एंड देर आर नो विडोज एंडोज देखो एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से मुझे करना क्या अब इसमें शायद ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में शायद डिस्कस किया होगा अगर मुझे ये ना भी दिया हो ना इतना तब भी चलेगा अगर यहां तक भी दिया हो तब भी चलेगा आप इसमें रेशम एंड प्रपोशन का यूज कैसे है देखो अच्छा मेरे को एक बात बताओ अगर मैंने यही मान के चलना है कि एक मैन की एक वुमेन से शादी हो रही है ठीक है हमेशा मैंने ये मान के चलना है जब तक क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली नहीं दिया गया कि इतनी भी डोज है समथिंग एल्स इसका मतलब अगर मैं ये बात मानूं कि चार मैन मैरिड हैं तो डेफिनेटली मेरे पास चार वुमेन भी मैरिड होनी चाहिए इजंट इट यस पांच वुमेन मैरिड हैं तो पांच मैन मैरिड होने चाहिए तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 40% मैन मैरिड हैं तो वो किसके कॉल होगा 30% वुमेन यहां से मेरे पास तो रेशो आने वाली है किसकी एक्चुअली नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन की सबसे बड़ी बात यही तो निकालना था क्योंकि अगर ये मेरे पास नहीं है आई कांट इवन फाइंड आउट मैं कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकता तो सबसे पहली फोर वुमेन कितना आएगा मेरे पास <coughs> तीन बटे चार्टी अपॉइंट फोर्टी है थर्टी नंबर ऑफ वुमेन कितनी है फोर्टी चलो मैन के लिए जो कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं चलिए अगर मेरे पास थर्टी मेन हैं, मैरिड कितने फोर्टी परसेंट इसका फोर्टी परसेंट कितना हुआ ट्वेल्व और अनमैरिड मेन कितने मेरे पास एटीन आ गए ठीक है अच्छा वुमेन के लिए हम कैलकुलेशन सेट कर लेते हैं अगर मैं वुमेन की बात करूँगा फोर्टी वुमेन्स है मेरे पास अच्छा कुछ मैरिड है कुछ अनमेरिड है मैरिड कितनी है थर्टी परसेंट फोर्टी का थर्टी परसेंट कितना हुआ? 12, देख सकते हैं. 12 है अनमेरिड तो 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 वुमेन अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन तो टोटल नंबर ऑफ मैन प्लस वुमेन मैरिड कितने चालीस प्लस तीसर इंटू ऑफ हंड्रेड परसेंट तो ये कितना आ गया सेवन परसेंट और कैलकुलेशन के बाद कितना चौके अट्ठाईस दो बटे सात परसेंट थर्टी फोर टू बाई सेवन परसेंट दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्लियर तो था क्वेश्चन परसेंटेज का बट एंड परपोर्शन का बेसिक्स यूज था तब तो मैं इस क्वेश्चन को करवा दिया पहले भी मैंने परसेंटेज में क्या पता करवाया कर हो ठीक है बट करवाया भी होगा तो कोई बात नहीं रिवीजन के तौर पे इसको कर लें क्लियर तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्लीज 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 नंबर इज नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो चलिए चलिए अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया यस yes, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है जो पहले चार सेक्शन किया ऐसा क्वेश्चन किया था हमने अच्छे से मुझे याद है चलिए तो करना कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ टोटली काम इसमें एल्सियम का खेल है सारा असम ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड यानी पच्चीस सौ रुपए बाय सिक्स वट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर तो मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर में क्या डिफरेंस है आपने ये बताना मुझे देखो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक्स <coughs> प्लस वाई प्लस जेड इसके बाद टोटल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज है तीनों को मिला के क्लियर अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अगर मैं इनकी रेशो की बात करूं एक्स रेशो रेशो जेड ये कितना है वन बाय टू थ्री बाय फोर एंड फाइव बाई ये है।, है। अब और चार और दो देखो ये दो ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पे भी तो उसको हटा दो और का एलसीएम कितना है? और और चार एल्सियम कितना है? ट्वेल। तो, ट्वेल मेरे आ गया। तो इस ट्वेल्व को इन तीनों से गुना कर दीजिए पांच बटा है चलो तो दो छ नाइन एंड टू तो मेरे पास क्या यहाँ पे देखो टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने यूनिट हो गया दस नौ उन्नीस उन्नीस और क्या पच्चीस यूनिट हो गया तो ट्वेंटी फाइव यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास ओ तो, तो मुझे क्या दिया हुआ ज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिम एंडिम शेयरेंस और छह का राइट आंसर क्लियर तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज वीडियो और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए नंबर आपको बता दिया गया उस नंबर पर कॉले व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई दिक्कत है कोई, कोई भी प्रॉब्लम है ना सी सेट रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड आप उस नंबर पर है व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी पूरी 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 सहायता होगी चलिए <coughs> चलिए यूपीएससी से दो हजार बीस का क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ फाइव इज एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड द ऑफ द फ्रैक्शन आपको याद होगा जब मैंने थ्रू आउट आपको परसेंटेज करवाई तो मैंने आपको क्या बताया था जब थ्रू आउट मैंने आपको परसेंटेज करवाई मैंने बोला था फ्रैक्शन वैल्यूज को याद कर लीजिए ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या टू बाई थ्री ये कितना होता है जीरो पॉइंट सेवन लगा सकते हो थ्री बाय फोर इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट सेवन फाइव यानी फोर बाय फाइव क्या लिखता हूँ उनकी चेंज भी करके लिखेंगे फोर बाय फाइव मेरे पास कितना होगा जीरो पॉइंट एट ज़ीरो के अराउंड अच्छा और फाइव बाई सिक्स कितना होगा जीरो पॉइंट एट थ्री इतना इतना ही होगा ये क्या होगा वन माइनस वन बाय सिक्स वन माइनस वन बाय सिक्स वन की वैल्यू हंड्रेड परसेंट वन बाय सिक्स की सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा मेरे पास ठीक है पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री क्लियर मैंने आपको थोड़ा लॉजिकली बता भी दिया किस तरह से आपने चीजों को करना है ठीक है ठीक है चलिए आप देखें जरा अब क्या करना है आपने इनमें पांच जोड़ना है मतलब दो प्लस पांच अपॉन तीन प्लस आठ तो ये कितना आ गया सॉरी तो तीन प्लस पांच सात बटे आठ आ गया अब सात बटे आठ की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट एट सेवन देखो वन माइनस वन बाय एट आइए वन की वैल्यू कितनी होती है हंड्रेड परसेंट और इसकी वैल्यू कितनी होगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा जीरो पॉइंट एट सेवन क्या जीरो पॉइंट एट सेवन आएगा यस yes, बिल्कुल जीरो पॉइंट एट सेवन आएगा ठीक है <laughs> अच्छा इसमें जोड़ो जरा मतलब यहाँ पे बेसिकली चेंज कितना आ गया जीरो पॉइंट टू वन मतलब जीरो पॉइंट टू के राउंड चेंज आ रहा है थ्री पॉइंट थ्री प्लस फाइव अपन फोर प्लस फाइव ये कितना आ गया मेरे पास आठ बटे ठीक है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तकरीबन पॉइंट नाइन आएगा पॉइंट एट नाइन के राउंड आएगा तो पॉइंट एट पॉइंट एट वन पॉइंट नाइन ले लिया मैंने ठीक है चलो नेक्स्ट देखो फोर प्लस फाइव अपॉन फाइव प्लस फाइव ये कितना आ गया नाइन बाई टेन इज नाइन आ गई ये अच्छा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास जीरो पॉइंट वन फाइव वन फोर के राउंड ठीक है

टेन बाई इलेवन को मुझे कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे बताइए आप टेन बाई इलेवन को कैलकुलेट करो देखो टेन बाई इलेवन दो तरीके से करके दिखाता हूँ पहले कैलकुलेशन देखो लो इसकी जब समझ आएगा अच्छे से टेन इलेवन पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट नाइन आ गए तो इनका डिफरेंस अगर आप नाइन्टी नाइन लेते हो तब भी वन पॉइंट जीरो तब भी आपका सबसे छोटा तो यही आ रहा है एक्चुअली में से लिखोगे कैसे देखो वन बायन की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास नाइन वन बायन परसेंट होती है अगर याद हो तो दस से करोगे तब भी पॉइंट नाइन के अराउंड ही आएगा आपका तो आंसर इज ऑलमोस्ट फाइव बाई स मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा सको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी आपका नया बैच आ रहा है जिससे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लेके आएंगे आपके लिए क्लियर चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज डिफरेंस इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स जीरो सेवन सबसे छोटा यही है चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको चलिए क्लियर हो गया चलिए जी बहुत अच्छा क्वेश्चन सी सेट दो पे आ चुके हैं ठीक है यहाँ तो थोड़ा सा आपको लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हुए थे क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट अपियर्ड इन सिक्स पेपर्स द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर इज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर इन द प्रोपोर्शन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ओवरऑल ही स्कोर सिक्सटी इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स बताइए बताइए देखो सबसे पहली बात एवरेज मार्क्स क्या होते हैं सम ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू ऑफ यही होता है मेरे पास मार्क्स अपन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन टू हंड्रेड परसेंटेज हो रही है मुझे देखो ये किस में है रेशो में है ले लो फाइव पी सिक्स पी सेवन पी एट पी नाइन पी एंड टेन पी टोटल कितना आ गया मेरे पास टोटल सम मार्क्स कितने आगे फाइव पी प्लस सिक्स सेवन पी प्लस एट पी प्लस 9P plus 10P, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने आगे मैं मान के चलता हूँ एक में सौ थे एक एग्जाम में सौ मेरे पास नंबर थे तो टोटल कितना होगा एक दो तीन चार पाँच छः छह सौ नंबर हो गए इन टू ऑफ हंड्रेड परसेंटेज सिक्सटी परसेंट परसेंटेज परसेंटेज दो जीरो सौ दो जीरो साठ कितना आ गया तीन सौ साठ और ये कितना हुआ उन्नीस उन्नीस और आठ सत्ताईस सत्ताईस सत्ता और साठ चौंतीस छः चालीस पैंतीस फोर्टी फाइव फी इजिकल टू थ्री सिक्सटी पी कितना आ गया थ्री सिक्सटी फाइव फोर्टी फाइव नौ पंजे पैंतालीस नौ जो के छत्तीस पी की वैल्यू आठ आ गई अगर पी की वैल्यू आठ आ गई मुझसे क्या पूछ रहा है वो इन हाउ मैनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन सिक्सटी परसेंट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मतलब मुझे सिर्फ पी की वैल्यू पुट करनी है तो करिए जरा आठ पंजे चालीस आठ छ अड़तालीस अठो सत्तर छप्पन अठोटे चौंसठ बहत्तर और अस्सी कैलकुलेशन चेक करो चौंसठ छप्पन अड़तालीस और तो किस में तीन में बाकी सब में दो तो साठ से ज़्यादा ही हैं आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्लियर तो अगर तो कैलकुलेशन में आपका बहुत अच्छा हाथ है ना तब आप इजीली किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और मैं देखो मैं हमेशा से एक ही चीज़ मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे ये बात याद रखना प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे और कोई तरीका नहीं है मैं आपको दो तीन ट्रिक्स बता दूं उसका कोई फायदा नहीं है मैं बेसिकली वही ट्रिक्स बताता हूं जो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं दैट्स इट इसके अलावा कुछ नहीं जितना छोटा क्वेश्चन हो सकता है उतना छोटा करवाने की कोशिश करता हूं ठीक है ताकि आप लोग भी जब घर पे प्रैक्टिस करें तो बहुत इजीली आप कर पाएं चलिए नेक्स्ट इज

टू बोथ वन एंड टू ना वन नॉट टू बताइए चलिए जब तक तो आप ट्राई कर रहे हैं मैं देखता हूँ मैंने माना वाई की प्रेजेंट एज वाई है ठीक है अच्छा एट इयर्स अगो अच्छा ये तो बात की बात है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ मतलब आज से वाई ईयर पहले एक्स की एज क्या रही होगी ट्वाइस टू रही होगी ये बताओ टू रही होगी अच्छा इफ इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इसका मतलब अगर एक्स की आज की एज मैं फोर्टी टू मानता हूं तो वाई ईयर पहले कितनी रही होगी अब क्या हो गया फोर्टी टू माइनस वाई अगर मैंने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई देखा तब एक्स की एज एक्स की एज पहले क्या थी टू वाई और यहां पे कितनी आ रही फोर्टी तो क्या ये दोनों बराबर है यस yes. यहां से टू और फोर्टी टू ये बराबर है तो ये कितना आ गया फोर्टी टू ईयर्स थ्री वाई इज गो फोर्टी टू वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास फोर्टीन आ गई अगर वाई मेरे पास फोर्टीन आ गई तो ओ, क्या बोल रहे हैं वो देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इसका मतलब वाई की प्रेजेंट एज कितनी है फोर्टीन और एक्स की तो मुझे दी हुई है कितनी फोर्टी टू और वाई कितनी है मेरे पास फोर्टीन क्लियर है अच्छा एट ईयर अगो द एज ऑफ एक्स वॉस फाइव टाइम्स 8 का मतलब माइनस आठ कर दो इसमें थर्टी फोर इसमें माइनस आठ करो कितना हो गया 6 आ गया आ तो कहीं से भी नहीं आ रही है ठीक है अच्छा फोर्टीन ईयर्स फोर्टीन ईयर्स मतलब प्लस फोर्टीन कर दो फिफ्टी सिक्स और इसमें फोर्टीन कर दो कितना आ ट्वेंटी एट द एज ऑफ एक्स वुड बी टू टाइम्स एज ऑफ y एस ये बिल्कुल सही है तो ओनली टू ऑप्शन नंबर बी ओनली टू इज द करेक्ट आंसर क्लियर तो डू लाइक शेयर सब सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो रेशन प्रोपोर्शन के सी सेट में पूछे गए हैं चलिए चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और लास्ट क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के क्लास का <coughs> चलिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे का टैग भी दे सकते हैं इसको बिकॉज थोड़ा ना थिंकिंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस वाला देखो एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी टू प्रोपोर्शन पी रेशो क्यों रेशो आर यानी पी में, 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 में ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन प्लस आर अब मैक्सिमम मिनिमम के केस में ना अलग अलग बातें होती हैं मैक्सिमम के केस में कंसिडर क्या करना होता है देखो अगर बेसिकली मैं एक ही बात करूं ए को कितना शेयर मिल रहा है पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर बी को कितना मिल रहा है क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर और सी को कितना मिल रहा है आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर ये मिल रहा है ये मिल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए गेट्स अ मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर देखो पी ग्रेटर देन क्यू प्लस आर अब मैक्सिमम शेयर कब आप किस केस में लेते हो सोचो तो देखो अगर मैं बोलूं कि भाई P मेरे पास ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए और मेरे पास P ग्रेटर देन R होना चाहिए क्या पॉसिबल है, है? यही चीज तो पॉसिबल जब भी ग्रेटर हो सकता है अदरवाइज क्या हो सकता है मेरे पास सोच के देखिए क्या मेरे पास हो सकता है अदरवाइज तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ गई बिकॉज अगर पी मेरे पास बड़ा है तो मेरे पास न्यूमिनेटर क्या हुआ उतना ही छोटा हुआ तो पहले स्टेटमेंट क्या होगी पहले स्टेटमेंट होगी ट्रू दूसरी क्या कह रहे हैं मिनिमम शेप है आर इज लेस देन देखो आर लेस देन पी प्लस केस को ध्यान से समझिएगा कि इस केस में क्या है देखो आप कहोगे भाई इसकी तरह आर लेस देन पी और आर लेस देन क्यू ऐसा ही होना चाहिए इस केस में कोई जरूर नहीं ग्रेटर के केस में होगा क्योंकि अगर पी क्यों और आर, क्यों से बड़ा, आर से इंडिविजुअली इंडिविजुअली बड़ा बड़ा नहीं होगा तो इनके सम से भी इंडिविजुअली बड़ा कैसे हो सकता है ठीक है इस केस में देखो अच्छा आर को अगर मैं लेता हूं चार पी को लेता दो और क्यों को लेता हूं तीन कंसिडरेशन आ गई बट ये मिनिमम नहीं हो सकता

नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन क्लियर कॉल कर सकते हैं एंड स्टूडेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको क्या करना है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ठीक है और चंडीगढ़ और मोहाली सेंटर का एड्रेस से. देखो मैंने शुरू से ही बात बोली है अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टाइम एड तो यूनिटरी मेथड से हो जाता है वो तो कुछ भी जाता है वो कुछ भी जाता है बट डिपेंड ये करता है मुझे जल्दी कहाँ से आंसर मिल रहा है ठीक है जल्दी एक दे एक, दे एक तो आपको एल्शियम लेना है सपोज ऐसी ले पाओगे एल्शियम अभी किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि सर वो तो हम कर सकते हैं फिर हम रेशो का यूज़ क्यों करें भैया ये रेशो का यूज करिए जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराऊंगा तब तो बताऊंगा आपको मैं क्यों स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ कि यूनिटरी मेथड टाइम एंड वर्क मत लगाओ क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन मिलेगी यहाँ से क्या आपकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है टाइम मतलब टाइम सेविंग टेक्निक नहीं बोलूंगा इसमें सिर्फ सॉल्विंग बोलूंगा वो भी अगर पेपर में हो जाए तो ठीक है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास सब ऐसा नहीं है ठीक है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल आज वीडियो और सारे सारे लिंक आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी की अभी ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू स्टूडेंट्स